गुड इवनिंग मेरे बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे आप लोग? एक नंबर। एक नंबर। लास्ट क्लास में लोग आइनिक पॉइंट देख लिए थे? यस सर। चलो आइन आइनिक पॉइंट देखे थे? चलो देख लिए थे। आइनिक पॉइंट देख चुके हैं। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकैप। अच्छे से देखो पॉइंट फॉर्मेशन समझ लेना। आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में क्या है? हे ले ना करे रब से फरियाद। ओके उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। उसके बाद बैगन आलू गाजर कौन सी की सुनाओ प्यारे। ओके उसके बाद नाना बोलो पापा आंसू सर बीमार या ये भी बोल सकते हो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सर बीमार। ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। ओके फिर कल बाहर आएगी आंटी। उसके बाद उसको लिखने की जरूरत नहीं है। याद है तो बेटा ठीक है। ये फर्स्ट डे का फैमिली है इसका बैलेंस पेपर कितना होगा बेटा? वन। ये सेकंड ए का है ये थर्ड ए का है ये फोर्थ ए का है ये फिफ्थ ए का है ये सिक्स ए का और ये सेवंथ ए का। ओके इसमें बैलेंस लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हम लोग ये समझते हैं आइनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है या कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है या कैसे होता है। समझ में आया? तो समझो हम यहां है ठीक है और पांडे जी वहां है। समझ में आ गया? तो बेटा इतना जब डिस्टेंस है यहां और वहां का बीच का डिस्टेंस अगल बगल तो मैं अच्छा खासा डिस्टेंस है देख गया डिस्टेंस अच्छा अच्छा खासा, तो हमको उसको कोई चीज देना है तो कैसे इसको फेंक कर दे देंगे ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ गया कोई दिक्कत? तो बेटा जब दूर का एटम दूर के साथ बॉन्ड बनाता है उस टाइप के बॉन्ड आइनिक बॉन्ड कहलाता है। तो आपको क्या बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइनिक बॉन्ड या आइनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। क्लियर? समझो इधर तो सारा आपका यहाँ तक मेटल है मेटल और इधर से यहाँ से नॉन मेटल स्टार्ट होता है। अच्छा नीचे का हाँ इधर से कुछ मेटल भी है परेशान नहीं हो एक अच्छा छूट गया ठीक है बट आओ यहाँ से आपका मेटल इधर सारा नॉन मेटल है ठीक है। तो समझो कि बनता कैसे है आइनिक बॉन्ड किसमें किसमें ज्यादा मजबूत होगा स्टार्टिंग का ये ले लो और एंड का ये ले लो NaCl कितना दूर है दिख रहा है एक यहाँ है एक यहाँ है। इस टाइप का जो सॉल्ट बनता है इस टाइप का जो कंपाउंड बनता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। आएगा समझ में? जैसे जैसे नजदीक होते जाएंगे बॉन्ड उसका कमजोर पड़ते जाएगा। इसके साथ भी तो ये बन सकता है ना MgO बन सकता है ना लेकिन इसके कंपेयर में ये वीक होगा इसके कंपेयर में ये वीक होगा। समझ में? कैसे कहते हैं आइनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो क्यों वो वीक होता है? अरे भैया बगल बगल है कुछ रे गुलाब पेन देखे गुलाब पेन देखे कॉपी देखे शेयर कर लिया शेयरिंग बॉन्ड बनाता है ना तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और जब ये ट्रांसफर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो बेटा वो आइनिक बॉन्ड बनता है। इट इज क्लियर? तो बेटा इसके बीच का डिस्टेंस देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने दूर से इलेक्ट्रॉन उसको दिया ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है ठीक है। कट आउट इतने में कट आउट कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर लेता है नॉन मेटल में ये शेयर कर लेता है। क्लियर? कट आउट चलो ये रिकैप करवा दिया लास्ट क्लास का कोवेलेंट बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड इट्स फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल बता चुके थे इट्स MPBP वेरी लो बताए थे बट आउट। तो हमेशा जान लेना जो आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड होगा वो सॉलिड स्टेट में रहता है मतलब
ठोस में रहता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड का कंपाउंड होता है वो आपका मोस्टली 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 लिक्विड या गैस में रहता है। अरे भैया वही तो लिक्विड या तो फिर ये गैस। तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं सर, चीनी हम मेरे घर में है, चीनी मेरे घर में है, अच्छा तुम्हारे घर में भी है चीनी। कब पर बोला सर? C6H12O6 बताया ना सर। हाँ भैया वही चीनी वही हुआ उनको जी रहता उसमें भैया सर। सॉलिड फॉर्म है बोलो ना भाई, क्या है जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा वो सॉलिड में रहेगा, और फिर बीच में जिसका रहेगा वो। समझ में आ गया? अब हम तुमको इसका फॉर्मूला देखते हैं। C6H12O6 कितना होगा? जिसका मास जितना कम वो गैस में, जिसका मास जितना ज्यादा वो सॉलिड में। अब बीच वाला समझ में आ गया? व्हाट आउट समझ में? मोटा मोटी फिर आपको ये समझ में आ रहा है किसका? हाँ तो भैया कोवेलेंट गुण है ना, हम कहां बोल रहे हैं कि आयरिक गुण है। समझ में आया अगर मैं बोला? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट गुण। कितने टाइप का होता है कोवेलेंट गुण? सिंगल कोवेलेंट, ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बेटा? इसमें सिंगल या देखो ऐसे दिखेगा, ठीक है? इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड, देखा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कैसे दिखेगा? ठीक है, समझ में आया? बताओ सिंगल बॉन्ड का कहने का मतलब बेटा इसमें सिग्मा बॉन्ड रहेगा। कैसे रहेगा? कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा रहेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा रहेगा? सिग्मा बॉन्ड। बेटा इसमें एक सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई रहेगा। इसमें एक सिग्मा रहेगा, दो पाई रहेगा, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड इज, नोट करके लिख बोलो, सिग्मा बॉन्ड इज बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई। समझ पाए क्या लिखा है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू, अच्छा टू भी लिखना था ना, असली टू भी है, टू लिखा है लिखा ना। समझ में आ गया? एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। समझ में आया? अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड हम लोग आप देखते हैं। समझ में आ गया? बताओ मेरे प्यारे बच्चे कहां है? क्लियर? यस सर। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक बार पढ़ता है ना। सर कब टेबल पे कहां लिखे? सी एम पी ए आर ए देखो सही है। कौन गलत बोला? आस्था
ठीक है और जान लो बेटा आप लोग हमको बोलो कि सर आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सिग्मा बोंड है कौन सा पाई बोंड है बेटा, तो आप कंपाउंड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सिग्मा बोंड है कौन सा पाई बोंड है। ठीक है अभी आपको समझ में आएगा कि सिग्मा बोंड कैसे बनता है पाई बोंड कैसे बनता है, वो अभी नहीं समझ में आएगा जब आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ोगे? केमिकल बॉन्डिंग। सर अभी केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ रहे हैं बेटा आप लोग, ये पर थोड़ा और करो लिबरेट करो ना, तब उसमें एक चीज टॉपिक करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे ना तब उसमें पढ़ोगे किस तरह से आपका हाइब्रिड, जैसे आजकल फ्रूट वगैरह हाइब्रिड फ्रूट आता है ना, उसी तरह से बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया जाएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है और पाई बॉन्ड बेटा जरा सी हीट मिलता है ना पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, हम आयनिक बॉन्ड से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ये मत बोलना सर पाई बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है ना, इस तरह का लेकर के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके चलो अब एक से लेकर के दस तक आप एक चीज याद कर लेना और ये हमेशा याद रखना है। ठीक है चलो बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग सीखते हैं। ठीक है चलो एक से दस तक याद कर लो, मीथेन मीथेन इथेन। अच्छा आप सर बताए देना मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। हां बेटा 10 तक ज्यादा 100 करना या 100 तक बट अभी तक कुछ नहीं कर लो। ठीक है तो मीथेन का फार्मूला बेटा CH4 इसका C2H6। ठीक है क्लियर। अभी हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, अपने को डॉट बनाना और डैश भी बनाना। इस अरे डैश बना लो चलो ठीक है डैश बनाते हैं, इसको बोलते हैं लुईस डॉट। अगर डॉट वाला बनाओगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और डैश वाला बनाओगे तो लुईस डैश स्ट्रक्चर। इट इज क्लियर और नॉट? अच्छा एक चीज बताओ संदेश स्टैंडर्ड O2 और CO2 ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स है कि कंपाउंड है? ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट अगर ओ लिख के लिए एलिमेंट हो जाता है इट सेल्फ रिएक्शन करता है ना उसको मॉलिक्यूल्स बनते हैं। भूल गए क्या? मॉलिक्यूल्स का बनता है जब इट सेल्फ रिएक्शन करता है, जैसे O2 H2 Fe2 Ca2 ये सब, हाँ उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एलिमेंट हो और कंपाउंड उसको बोलते बेटा मी एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, तो एटलीस्ट बोल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट दो। क्लियर? ठीक समझ में आ गया बेटा? अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं डॉट या डैश? डॉट डॉट। ठीक है कार्बन कितना आदित स्टैंडर्ड कार्बन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 6 या 7? अरे 4 होता है, 1 2 3 4। ठीक है अभी हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन 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 के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 या 5? एक ही होता है, कंफ्यूजन है बेटा ये मीथेन बन गया, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है ये आपका मीथेन। ठीक है गुड आउट। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है HCl हो गया, H2O हो गया। ठीक है ये सब आप लोग इसका एक बार आपको डैश बनाना है डॉट बनाना है, एक बार इसको बना लो उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। एक बार बनाओ बेटा सर,
अगर किसी को नहीं आता है, अगर किसी को समझ में आया बेटा, फिर जाहिर समझ में आया बेटा। क्या नाम है इसका? लुईस एल LEWIS लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। प्लीज समझ में आया बेटा? मैसेज सही मैसेज पहुंच जाएगा। ओके बस आरती अच्छा बेटा, समझ रही कि झूठ बोल रही हो? आज ही बोलना है, समझ रही झूठ बोल रही है? समझ रही बेटा? इधर निकी समझ में बेटा? ओके तुमको भानु प्रताप सिंह समझ में आया? आयुष पांडे जी। ओके चलो डबल वन पे चलते हम लोग। एक मिनट इसे तो किसका पता मैं? अच्छा नेक्स्ट पे ले रहे हैं। हाँ खड़े हो जाओ। कितना कार्बन बेटा? दो। तो एक कार्बन दो कार्बन, तो दोनों के पास अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा दोनों का दो अलग अलग दे देते हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, समझ में आ गया? अभी हाइड्रोजन कितना है? छह हाइड्रोजन। एक दो तीन क्या बना? तीन चार पांच छह दे दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक 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 अगर बोल रहे तो एक 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 करते हैं। दे दिए क्लियर? यस सर। अभी सबको क्या बनाना है? ये अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लिया, 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 ये डिप्लेट, ये अपना डिप्लेट और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट लग लिया। क्या सी का क्या बोला? कार्बन का अगर बॉन्ड नहीं दोगे ना तो दुनिया में यही एक कंपाउंड है। कार्बन अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है। आपको इसके बाद के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा कार्बोनेट कंपाउंड में। ये अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। सबका यहाँ देखो न्यू पेज लेते हैं बेटा, हो गया ना पक्का? सबका उपाय क्या है? एच टू बना सकता है या ओ टू बना सकता है, ओ थ्री बना सकता है, पी फोर बना सकता है या इससे ज्यादा एस एट बना सकता है। इससे ज्यादा आपको ये मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकता है। अब कार्बन का उपाय देखोगे, मेरा उपाय देखोगे बेटा, यही प्रॉपर्टीज में यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इनफाइनाइट इसमें होता है। आई बात समझ में? जैसे प्योर कार्बन का किसका? कोल का। बता रहे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन एक कार्बन से अटैच किया, अटैच किया, अटैच किया एक कार्बन। अभी देखो कार्बन को चार बॉन्ड, इससे ये सर कार्बन अटैच कर दिया। कार्बन 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 इससे चार अटैच कर जाएगा, फिर इससे ये अभी बताओ पूरा बेटा लिंकेज हो जाता है।
इसमें भी कार्बन का फिर इससे ये दिखा बेटा, ये इसी तरह से पूरी तरह से जो दिख रहा है ना कार्बन का बॉन्ड है। दुनिया में कितना भी जलने वाला चीज देखते हो, फ्लेमेबल चीज, आई एम टॉकिंग अबाउट 99%, 1% का बात नहीं करते हैं, 99% जो चीज जल रहा है उसमें कार्बन है, जो चीज जल रहा है उसमें कार्बन है। और बेटा इसी तरह से नेट बनाता है, इसी तरह से नेट बनाता है कार्बन का, जो आपको बहुत अच्छा चीज देखते हो गए, थोड़ा महंगा भी है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, डायमंड, ठीक है। तो बेटा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन उसमें इतना ज्यादा डेंस है, कार्बन उसमें इतना ज्यादा डेंस है, इसलिए वो हार्ड बन जाता है, ज्यादा उसमें स्पेस नहीं है, मतलब जगह इतना डेंस, उसमें जो एटम नंबर ऑफ जो एटम है ना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डेंस है कार्बन का, इसलिए वो ज्यादा पूरे अर्थ क्रस्ट पर का स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर है। क्या है? मैटर नहीं बोले यहाँ, मटर, हाँ अभी समझ पाया, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ मेटल नहीं बोले हैं, नॉन मेटल, हाँ ठीक है, वो नॉन मेटल है, इसलिए मैटर बोलना, क्या बोलना, मैटर, मटर, क्या, हाँ डायमंड को अगर आप लोग बर्न करोगे हाई टेम्परेचर पे, मिनिमम 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा अगर इसको बर्न कर 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें क्या बचेगा पता है, 0.9 पूरा बर्न होकर के उसमें कार्बन का इतना प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि लेबोरेटरी में। अच्छा हाँ, आप लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, डबल बॉन्ड पे, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, डबल बॉन्ड पे, ठीक है। इसमें देखो डबल बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, ओ टू CO2, देखा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8 है, नो क्या नो ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग पेन से 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये अच्छा लगा देते मैं इसे मार सकते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 देखो, ये इसके साथ अपना दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया, और ये भी अपना दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, एक्चुअल में ये कैसा बनेगा, ठीक है। देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लियर, CO2 कार्बन कितना बॉन्ड, कितना बॉन्ड, देखा ये दो बॉन्ड, इसका ये ले लिया, इसका ये दो दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों का दो ले लिया, समझ में आ रहा है, गो डाउन, समझ में आ रहा है, चलो कॉपी पेस्ट कर लो, जितना भी बॉन्ड देखते हो आप लोग में उसमें 90% बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड आपका 10% होता है, जितना भी दुनिया में कंपाउंड देखते हो उसमें 90% बॉन्ड किसका होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको बहुत मिल जाएगा, पता है कैसे, क्योंकि कार्बन है, चल कार्बन है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और दुनिया में जितना चीज कार्बन का बना हुआ उतना उससे ज्यादा कोई भी कंपाउंड का बना हुआ नहीं है, सिंपल सी बात है, क्यों कार्बन है पता है ना, पढ़ाओ आप लोग बोर्ड में थोड़ा सेंस करते जाओ, कहीं पे कुछ टॉपिक मिस तो नहीं है, सब हो रहा है, चलो एक दो ऑर्डर मिनट बात बता रहे हैं, एक मिनट आप लोग बना के खाना डबल बॉन्ड को बता रहे हैं, अरे रुक गए एकदम रुक गए भैया, अरे बता रहे हैं, लो देखो
C2H4, C3H6, C4H8। चलो ये तीन का आपको बना, ये बता दें, कौन बता दें? डैश में बना लीजिए, नहीं तो डॉट वाला जो इसको डॉट बनाना है, मास्टर सबको डैश बना लेना। जो बनाना है डैश डैश कैसे बनाओ? चलो कौन बता बेटा, इसमें से कौन बता बेटा? ये बता कौन बता है? पहले ये बता देते हैं फिर ये बता देंगे, ठीक है? चलो न्यू पेन लेते हैं। C2H4 का बेटा C2H4, तो कार्बन, ओके बताओ बेटा कार्बन का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? चार। देखिए हाइड्रोजन कितना? चार। एक दो तीन चार, इसका एक दो तीन चार, ये अपना डुप्लीकेट कंप्लीट, क्या बोलो? हाँ ये अपना डुप्लीकेट कंप्लीट, क्या बोलो? हाँ ये भी अपना डुप्लीकेट कंप्लीट, क्या बोलो? हाँ ये भी अपना डुप्लीकेट कंप्लीट, क्या? अब कार्बन को क्या चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेटा ये इससे दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इससे बोलो दो दो चार दो छह दो आठ, अभी ये भी अपना इसे ले लिया, ये क्या हो गया? ए। एक्चुअली ये डॉट बा डैश आप लोग को बताते हैं, ओके सी थ्री ए सिक्स का बताते हैं, बनाइए ऐसे हो जाएगा। हाँ बेटा कार्बन को चार चाहिए बॉन्ड, तो कहीं का क्या मतलब? एक ही जगह नहीं कर सकते हो, वैलेंसी कंप्लीट हाँ कर सकते हो, लेकिन इधर तो ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। वैलेंसी मैटर करता है ना, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ देखो सी ए ओ सी एल ठीक है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसपे प्लस टू चार्ज होता है बेटा, तो इसपे एक माइनस यहाँ रहता है, एक माइनस यहाँ रहता है मेरे बच्चा, ओके क्या हो अच्छा ओ क्लोरीन के साथ कैसे आ गया? किसान हो रहे हो बेटा, ये जब सॉल्ट है ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए ना, आएगा समझ में, काफी परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है? देखो कैसे हो गया, हाँ ब्लीचिंग पाउडर है, देखो कैसे कैल्शियम, ठीक है क्या? देखो कैल्शियम के साथ ये ऑक्सीजन करें, ये इसका एक बॉन्ड बना लिया, ये इसका क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, इसके दो बॉन्ड क्लियर बन गया, ठीक है? और ये क्लोरीन ये इसके साथ ये कैल्शियम के साथ एक बना लिया, यहाँ पे कैल्शियम ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, समझ में आया? कैल्शियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, किया हाय ना, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सात और एक आठ हो गया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर छह एक सात हो गया, और एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, समझा? परेशान भी नहीं होगा, सब समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं बेटा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब चीज आएगा। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी सही है, इसको बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ये भी सही है, ठीक है? याद रखना बेटा, अगर इसको स्ट्रक्चर बनाना तो इसे बनाना, ठीक है? अच्छा ये बताना भूल गए थे क्या तुम? हां ठीक है, इसका वैलेंसी प्लस टू होता है, इसलिए इस पे चार्ज आ जाता है, और इस पे क्लियर, समझ में आया?
डबल बॉन्ड हो गया, अभी ट्रिपल बॉन्ड चले हैं। ट्रिपल बॉन्ड किसमें चले हैं? ट्रिपल बॉन्ड टी आर आई पी एल ए ट्रिपल बॉन्ड। बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एन टू का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है एन टू का भी है। नाइट्रोजन दो टू नाइट्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी बोलो? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? ठीक है तो बेटा ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये जो बच रहा है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इससे इसको बच रहा है इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। बेटा लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, इतना जान लो। क्या रोल है अभी मैं बताएंगे इसका रोल क्या है ना? बहुत पांच और तीन से ले लिया, शेयर कर लिया, आठ हो गया। ये भी पांच से ले लिया, आठ हो गया। ये लोग अनकंबाइंड जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर। लोन पेयर का काम क्या है? जब बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का होगा ना, लोन पेयर किसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट मोड। इसको क्या बोलते हैं? जब अपना लोन पेयर किसी को दान देता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप लोग 12 में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा यही लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल है, इसी लोन पेयर की वजह से बहुत सारा ट्विस्ट आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगर समझ में, इसका बहुत बड़ा रोल। अच्छा एक सिंपल से एग्जांपल आपको देते हैं वाटर का, इसका एग्जांपल देते हैं वाटर का, यही है बेटा, यही है। शेयर कर लिया, इसका लाइन दे तो तुमका सीधा सीधा बना है, क्लियर। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से इसको बेंड कर देता है, बी शेप बना देता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? रिपल्शन फोर्स इस बॉन्ड को झुका देता है, ऐसे कर देता है, ठीक है, बेंड कर देता है। इसको बोलते हैं बी से, क्या बोलते हैं? बी से बोलो या बेंड से बोलो, ठीक है। वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ये गलत, अभी सही है, अभी सही है, टेंथ के लिए सही है, ट्वेल्थ के लिए, इलेवन के लिए गलत है। हम फिर से बता रहे हैं जो पढ़ रहे हैं भैया, वो बहुत सारा चीज ऐसा मिलेगा जो टेंथ में सही था, वक्त बदल गया, जज्बात जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल, वही मिल गया। अभी तुम लोग का माइंड खुलेगा, अभी खुलेगा, वो तो रहना, जब बेटा इस तरह से पढ़ोगे ना तब खुलेगा। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, अब आगे क्या करते हैं जरा देखो। नहीं, जब पेयर मतलब भैया स्लिप स्विच पड़े हो ना, क्या सिंगल आता है पूछना? भैया हमको स्विच सिंगल है, ये पेयर में नहीं चाहिए मामे। भैया लॉन्ग पेयर, तो भैया पेयर में आएगा ना, समझ में आया? अब क्या सोचते हैं बेटा प्रिंसिपल? अच्छा कॉमन सॉल्ट को हम लोग आयोडाइज कैसे करेंगे? आयोडाइज समझते हो? अच्छा क्लोर अल्कली प्रोसेस समझते बेटा? क्या होता है जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, हम लोग इसमें ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सिंपल से बात, क्लोर क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है मेरा बेटा? क्लोरीन को अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली से क्लोरीन को अलग करना, दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आया? आपको बताया था ना शायद? तो हम लोग कब क्लोरीन को अलग किए थे? जब हम लोग कुछ बना रहे थे, बेकिंग पाउडर बना रहे थे याद है, या वॉशिंग पाउडर बना रहे थे यार, उसको याद होना चाहिए ना, क्या बना रहे थे बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मिक्स करते थे, तो क्या बनता था? और
सब फंस रहे हो, सब फंस रहे हो, कुछ नहीं बनता में। बेकिंग बेकिंग सोडा बनता है प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो हम क्लोरीन बना। एकदम तुम लोग जो है ना NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी एच ही है, हमें दिखेगा। प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है, यही प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। कॉमन सॉल्ट को हम लोग आयोडाइज करना मतलब उसमें आयोडीन को मिक्स कर देना, आयोडीन को मिक्स करना, ठीक है। चलो तो आपका देखो कुछ कंटेंट है,